1924 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया का एक पूरा डेमोग्राफिक सर्वे करवाया। इस सर्वे का मकसद था इंडियन पॉपुलेशन को कास्ट, कम्युनिटी और ट्राइब के हिसाब से अलग अलग करना। इसी दौरान यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आज का उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों और बिहार के पास के क्षेत्रों में रहने वाला एक अलग ग्रुप सामने आया। उन्हें राजभर कम्युनिटी के रूप में पहचाना गया। मजेदार बात यह है कि इससे पहले किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भर कम्युनिटी का जिक्र नहीं मिलता। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री न होने के बावजूद लोकल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कम्युनिटी को फॉरेन रूलर्स के खिलाफ बागी मान लिया था। उन्हें गलत तरीके से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया, जो एक प्रेजुडिस्ड व्यू दिखाता है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और पहले से बनी धारणाओं पर बेस्ड ये कैटेगराइजेशन राजभर लोगों के लिए लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आया। 1924 के सर्वे ने उनकी स्थिति क्लियर करने की बजाय कॉलोनियल फ्रेमवर्क में उनकी सोशल स्टैंडिंग को और उलझा दिया। ये सर्वे, जो आयरोनिकली ऑर्डर लाने के लिए था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक की समझ में गैप्स को एक्सपोजे कर दिया। अपने अनडॉक्यूमेंटेड पास्ट के साथ राजभर एक एनिग्मा बन गए, जिससे उनके ओरिजिन और हिस्ट्री की गहरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत और भी आज गई। उनकी आइडेंटिटी को लेकर क्लैरिटी की कमी ने मिस इंटरप्रिटेशन को बढ़ावा दिया और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस को फ्यूल किया।